गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम योगेश यादव, योर साइंस टीचर इज हियर टू एक्सप्लेनेशन टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 3 क्लास 6. सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बी एक्टिव, बी रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट विल बी द चैप्टर दैट वी हैव टू एक्सप्लेन टुडे. यस, द चैप्टर 3 is cleaning of food and separation of substances. The cleaning of food and separation of substances, that one is the chapter, and the meaning of the chapter is stand with different types of things that we clean for eating food. Jo hota hai usse saaf hum log kaise karte hain, use separation of substances. Ek hi mixture dham hota hai. When there is a mixture of different types of substances in a thing, in one thing, एक चीज में जब different mixture होते हैं, उनमें से different mixture को अलग कैसे करते हैं? That one is the chapter. Yes, so guys, we start the topic. The first topic is need for cleaning food. Need for cleaning food. In this topic, we should learn and read about जो क्लीनिंग ऑफ फूड, हमें इसकी आवश्यकता क्या होती है, फूड को क्लीन करने की आवश्यकता क्या होती है. सिंपल कि हम जो खाते हैं खराब खाते नहीं. बिफोर वी ईट, खाने से पहले हम जो अपने आप को साफ रखते हैं, हाथ धोते हैं, उसके बाद खाते हैं, दैट्स व्हाई वो चीज बन रही है. खाने से पहले फूड को उसको हम लोग साफ करते हैं. द क्लीनिंग ऑफ फूड, तो फूड जब मार्केट में आता है या फिर किसान फार्मर जब पैदा करते प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ से मार्केट में आता है, हालांकि डिफरेंट टाइप के स्टेप्स निकलते हैं, वो स्टेप पढ़ेंगे हम लोग, खाएंगे वो फूड साफ हो जाता है. बट फिर भी जब घर में लाते हैं उससे बनाने से पहले उस फूड को साफ करते हैं, उसके बाद बनाते हैं. तो दैट इज द प्रोसेस विच वी क्लीनिंग द फूड बिफोर प्रिपेयरिंग इट एज अ मील. फूड को हम खाने तौर पे यूज करते हैं, उसके बाद लोग बनाने से पहले उसे साफ करते हैं. एंड इट इज वेरी नेसेसरी बिकॉज द इफ वी ईट द डर्टी फूड द न्यूट्रिएंट्स दैट इनसाइड द फूड वी विल नॉट गेट क्लियर, वो हमें अच्छे से मिलेंगे नहीं. इट्स इम्पॉर्टेंट कि फूड को साफ करें उसके बाद बनाएं. यस, इन दिस चैप्टर इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वॉशिंग सब करके, ताकि उसमें काफी सारी चीजें जो हो सके पोर्शन को साफ हो जाए. इन योर हाउस हम देखा मतलब जब चावल बनाती है तो चावल साफ करती है, उसके बाद बनाती है. ऐसा थोड़ी ही नहीं उठाया बना लिया, और जो आप सुबह डेली जो रोटी खाते हैं उस फ्लोर को आटे को फ्लोर कम फ्रॉम वीट, उससे जो स्वीट को जो फ्लोर आता है गेहूँ साफ होता है, गेहूँ से आटा बनता है, जब आटा होता है उसे हम लोग छानते हैं, उसके बाद आटा से डब करके मारते हैं सब. यस, हियर फूड इज क्लीन टू, फूड क्लीन टू करते हैं, रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स, अनवांटेड या हार्मफुल जो चीज होती है फूड में उसको अलग करने के लिए हम उसको साफ करते हैं. एंड टू ऑब्टेन प्योर एंड यूजफुल कंपोनेंट्स एंड टू ऑब्टेन वी आर वॉशिंग द फूड्स डिफरेंट एज फूड to obtain pure and useful components. इसके pure useful components जो हमें चाहिए, जिससे हमारी body को nutrients मिलते हैं, वो चीज साफ करने के लिए. Okay? Then the next topic is pure substances and mixtures. Pure substances होते हैं, a substance which includes particles of one substance is a pure substance. जिस substance में सिर्फ एक particle होता है, वो प्योर सब्सटेंस होता है. जैसे आप कह सकते गेहूँ, गेहूँ में सिर्फ गेहूँ होते हैं, बट कुछ आ जाते हैं प्योर गेहूँ है, कुछ आ सकते हैं. जैसे दूध में सिर्फ दूध ही होगा, भैंस जब दूध देगी जब किसी बैसा में दूध रखते हैं प्योर दूध ही है, उसके अंदर मिक्सचर होते हैं बहुत सारे जहाँ नहीं रहता, बट फुली देट वन थिंग इज स्टैंड विद वन सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस. क्रिस्टल शुगर विच वी गेट फ्रॉम द मार्केट इज प्योर शुगर. आप जानते हैं शुगर क्रिस्टल मार्केट से मिलती है,
प्योर होती है, उसे हम लोग लाके धोते नहीं ना साफ करते हैं, चीनी को लाके धोते नहीं ना ही साफ करते हैं, दैट मीन इज प्योर एंड ऑल द पार्टिकल्स इन इट आर सम ऑफ सेम ऑफ कलर, जितने पार्टिकल्स होते हैं सब सेम कलर के होते हैं और सेम साइज के होते हैं। उसके बाद मिक्सचर इंक्लूड्स, मिक्सचर क्या होता है उसमें इंक्लूड्स टू और मोर सब्सटेंस, टू या टू से ज्यादा सब्सटेंस मिले होते हैं, दूध में चीज होया होता सब, दूध से क्या क्या बनता है, दूध से दही बनता है, चीज होया सब वही चीज है, मिक्सचर में टू या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस ऐड होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड, सॉलिड देयर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर सॉलिड लिक्विड गैसेस, बट फर्स्टली वी रीड द फर्स्ट टॉपिक सॉलिड, सॉलिड मिक्सचर क्या होता है, स्ट्रॉ चाप सीड फ्रॉम वीट्स एंड ग्रेन्स टुगेदर इज अ मिक्सचर। जब फसल आपको कटती है जैसे काम की धान चावल जैसा होते हैं तो एक सब्सटेंस स्ट्रॉ होता है, चाप होता है, सीड बीज होते हैं फ्रॉम वीट्स एंड ग्रेन्स टुगेदर एक साथ से होते हैं मिक्सचर। Soil is a mixture of soil particles, pebbles, some straw matter particles and others. Soil क्या है, मिट्टी है, मिक्सचर है, मिट्टी बहुत सारी चीजें होती हैं, soil particles, sand और मिट्टी होती है, pebbles होते हैं, some straw matter particles and others. Things are in the soil. That one is the mixture. We are talking about here solid mixture. Solid mixture होता है, उसमें क्या होता है? Yes. Then the food grains, which we purchase from market. Maybe a mixture of grains, straw, seeds, from wheat and fine pieces of stones. To market some purchase karte grains, anaj, which we purchase from market. Maybe a mixture. Iske andar mixture, ye sab cheez hoti hai. Grains mein straw hota hai. Seeds hote hain from wheat or dhan ke type ke group and fine pieces of stones. Aur chote chote patthar, kan ke bhi hote hain, wo bhi hote hain. Even multigrain is a mixture of different grains. Multigrains होती हैं, different mixture of grains. इसीलिए that one is a soil mixture. Now we are talking about a liquid mixture. Liquid mixture में क्या होता है? Tap water is a mixture of pure water with some fine impurities. Tap water में जैसे पानी जो निकलता है वो pure water होता है, but with some fine impurities में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं. पानी जो पीते हैं tap से कुछ अशुद्धियाँ होती हैं एंड फाइन फाइन मड पार्टिकल्स होते हैं एंड सम डिजॉल्व सॉल्ट और कुछ डिजॉल्व सॉल्ट खराब जो होता है पानी में होता है। आ सिरप इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर विद एडेड फ्लेवर और इवन कलर। सिरप जो होती है पीते हैं, सिरप मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं और सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट ये सब होता है सिरप होती है। टी इन अ कप इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर शुगर मिल्क एक्सट्रैक्ट ऑफ टी लीव्स। अब जानते हैं एक्सट्रैक्ट होता है टी लीव्स, टी लीव जो चाय पेड़ पत्तियां होती है उसे जो एक्सट्रैक्ट करता है उसका और जो शुगर सब मिक्सचर होता है वाटर मिल्क टी चाय एंड देन सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर। सी वाटर मिक्सचर वाटर को जिसमें बहुत सारे डिफरेंट सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं इन इट एंड सम फ्लोटिंग और सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। कुछ प्रोटीन जो तैयार होती है इंप्योरिटीज अशुद्धियां होती है पानी में। देन मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर क्रीम बटर सीजन केसर कैल्शियम। वाटर में मिल्क में ये सब मिक्सचर होता है, मिल्क मिक्सचर होता है वाटर का एंड क्रीम का, जिसमें क्रीम पर बटर केसर एंड कैल्शियम सब निकल जाता है। बट इन द पेट्रोलियम इन द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास यू विल रीड अबाउट द पेट्रोलियम क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है उससे ही सब पेट्रोल क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल डीजल केरोसिन सब निकलते हैं। दैट वाज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स पेट्रोल डीजल केरोसिन एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस। ओके देन द गैसेस मिक्सचर, गैसेस मिक्सचर तो ये मिक्सचर होता है गैसेस दे आर डिफरेंट यू नो दैट इन द एयर इस हवा में जो हमारे आसपास ऑक्सीजन लेते हैं बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है। Air is a mixture of different gases. Some of the gases present in the air are nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and particulate matter. These gases mix up. In polluted air, जो हवा polluted और गंदी होती pollution, हवा उसमें क्या क्या होता है? उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, मीथेन, इन स्मोक जो गाड़ी धुआं निकलता है, इसमें जो हवा खराब होती है,
उसमें ये होता है, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। एंड वही सब चीजें हैं, अनदर गैस एंड वी गेट मिक्स्ड। ओके, देन ट्रेनिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस टू ऑब्टेन ग्रेन। जो फार्म है वो फार्मर्स को बोलते हैं, जो फार्म में हम लोग खेती में जो मेथड यूज करते हैं ट्रेनिंग के फूड की, वो क्या होता है। द फर्स्ट टॉपिक इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग फार्म प्रोड्यूस इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोसेस। जो क्रिटिसिस होते हैं करो वो हार्वेस्टिंग, ट्रेनिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस, पहला प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग। यू विल सी इन द बुक आफ्टर सीइंग द डायग्राम यू विल क्लियर दैट कि क्या प्रोसेस होता है वो हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जब जमीन में जब घास सब निकल आती है, बट पौधे होते हैं वो फसल वाले पेड़ होते हैं जिसमें फसल लगी होती है, उन पेड़ों को काटते हैं उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। स्टैंडिंग क्रॉप ऑन फार्म्स ऑन मैच्योरिटी इज द पैच ऑफ फसलें पक जाती हैं तो उनको नीचे से काटते हैं उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। रूटेड सॉर्ट स्टॉक्स विद टर्मिनल स्पाइक्स बियरिंग हस्क कवर्ड ग्रेन, जिसमें हस्क साफ हर चीज आती है, उसमें जो छिलके होते हैं गेहूँ बोले थोड़ी होते हैं गेहूँ कवर्ड होते हैं, हस्क वो हर चीज आती है उसे काटते हैं। उसके बाद बड़ी मशीन से हार्वेस्टर कंबाइन बिग मशीन का यूज करते हैं, हार्वेस्टिंग बाय हैंड, हैंड से भी काटते हैं उससे पहले करते हैं। ओके, उसमें हस्क काफी चीज आ जाता है, ड्राइव स्टॉक्स एंड आर देन थ्रेस्ट टू सपोर्ट द वो ड्राइव फसलें सूख जाती है। अक्सर देखा होगा आपने गेहूं काटते हैं गट्ठे को गट्ठा बांध के खेत में रख देते हैं सूख जाते हैं गेहूं था, उस वक्त उस थ्रेसर मशीन से थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग नेक्स्ट प्रोसेस इज थ्रेसिंग। थ्रेशिंग स्टॉक्स ऑफ ड्राइड हार्वेस्टेड बीज जो होती है सूखी पत्तियाँ होती हैं सूखी जो कठुए जो होते हैं ग्रुप ऑफ जो मैच्योर सीड्स होते हैं क्रॉप्स के वो उसको उसमें थ्रेसे करते हैं उससे अलग करते हैं। एंड हार्ड सर्फेस ऑफ स्लैब ऑफ रॉक जो होते हैं जैसे कि डन इन द सेम वे एज वॉश ऑफ मैन, जैसे धोबी कपड़े धोता है उस तरीके से थ्रेसिंग करके हम लोग प्योर चीज निकालते हैं जैसे वीट और जो धान में होती है। अक्सर देखो आप धान में पहले क्या होता था, पहले कुछ चीज होती मशीनरी नहीं होती थी तो अक्सर धान और गेहूँ को वो जो कूट कूट के पटक पटक के, आज भी मेरे गाँव में ऐसा होता है पटक के उसे दाने अलग करते हैं जो सीड्स होते हैं वो शहरी होते हैं वो जो ग्रेन होते हैं वीट और राइस ये अलग हो जाते हैं। दैट वन इज द प्रोसेस थ्रेशिंग, जिससे आप थ्रेशिंग इज आल्सो डन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रैम्पलिंग बाय कैटल ऑन द स्पाइक्स, जानवर से भी किए करते हैं बियरिंग ग्रेन स्पेशली जिसे सेपरेट करते हैं ग्रेन्स अनाज वो अलग अलग करते हैं मेज ये सब जो होते हैं मेज लाइक दिस। जैसे नाउ विनोइंग, विनोइंग इज द प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर ग्रेन, प्योर ग्रेन ऑब्टेन करने के लिए विनोइंग प्रोसेस इन विच इट इज इट हैपेंस इट हैपेंस व्हेन द विद द हेल्प ऑफ एयर, जिस तरह हवा चलती है उस तरह से सब गिराते हैं उसको अक्सर अनाज को ग्रेन को जो हल्की चीज होती है उड़ जाती है मींस द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द ग्रेन्स और जो ग्रेन्स प्योर होती है नीचे आ जाते हैं ड्यू टू द सॉलिड वेट। टू ऑब्टेन प्योर ग्रेन्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ब्रोकन स्ट्रॉ चाफ एंड ग्रेन्स फार्म मेकर्स ऑफ द ब्लोइंग विंड हवा में और जो लाइट चीज होती है जो आपकी चाफ स्ट्रॉ और लाइट हल्की चीज होती है पत्ते कुछ ये सब हवा के थ्रू से अलग That one is the winnowing. And the hand picking, that is the method you see in your house. Hand picking होता है, अक्सर चावल को अलग करना, गंदगी निकालना, हाथों से जो चीज सफाई होती है उसे बोलते हैं hand picking. The method is used to remove undesirable components like small pieces of stones, dry mud pieces, gill material pieces, seeds from weeds or any other impurities from the grains. Or grains में कुछ डिफरेंट कलर ब्लैक का हल्का येलो कलर कोई चीज दिखती है उसको मुझे निकाल देता है। इट कैन इट इज इजी वेरी इजी टू क्लीन द राइस विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग। देन द अदर स्केल इज सीविंग। सीविंग इज द प्रोसेस इन विच सीविंग प्रोसेस इन विच वी कैन यूज सेपरेट लार्ज साइज ग्रेन फ्रॉम द इंप्योरिटीज अलग करते हैं। सीविंग से आप कहते हैं
Sanitation in the figure, you can see 3.5 different types of strainers, छन्नी होती है, अलग अलग होती है, लाख पीस से अलग करते हैं, एक साइज के अलग हो जाते हैं और जो खराब चीज होती है दूसरी डिफरेंट साइज की वो अलग निकल के आती है। छन्नी जो होती है सिर्फ फ्लोर आटा छानते हैं तो आटा वही हो जाता है नीचे आ जाता है, बट उससे जो कुछ डिफरेंट शेप और साइज की होती है आठ चीजें वो चीज ऊपर आ जाती है उसको बोलते हैं। एंड द लेबर सेविंग सैंड माना मैश, और जो जाल जो ये माना छाने वाला जो जाल देते हैं आप मैश मॉल में छानते हैं महीन मोरा निकल जाते हैं और हार्ड स्टोन स्टैक पीसेस वो सेपरेट हो जाते हैं। ओके दिस इज एंड द सेपरेट ब्रैंड फ्रॉम फ्लोर, फ्लोर से आटे से ब्रैंड निकाल देते हैं और उसके बाद सेपरेट फाइन स्टैंड सैंड फ्रॉम कोर्स सैंड ऑफ पीपल्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के साइट से निकाल देते हैं। नाग पर्ल्स फ्रॉम स्मॉल पर्ल्स से निकालना कर देते हैं, पीसेस स्टोन और डिफरेंट साइज precious stone different size में करते हैं। That was the process. After that separation of substances from mixture, जो separation of substances होता है from mixture, आप जानते हैं जो liquid बात की soil की liquid mixture होता है, उससे कैसे अलग करते हैं? तो this method is used to separate floating and sinking method. Float करना चाहिए, तैरती है। अक्सर देखा होगा आपने, जब हम लोग कोई चीज होती है, कोई चीज बुझे सब्जी लेके आते हैं, उसी में पानी डाल देते हैं, सब्जी नीचे हो जाती है, सॉलिड होती है, वेजिटेबल्स आर सॉलिड नीचे होती है, उससे मिट्टी की सब तैर के धूल के ऊपर आ जाती है, वो साफ हो जाती है, या फिर जो चीज ऊपर जो खराब चीज नीचे बैठ जाती है स्टोन्स, ये क्लियर खराब चीज नीचे बैठ जाती है वो चीज साफ हो जाती है, उसे बोलते हैं ये फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड। यहाँ यूज करते हैं वो बी सॉलिड बट वन फ्लोट एंड द अदर सिंक्स इन वाटर, फ्लोट करता है सिंक बैठ जाता है उसे बोलते हैं फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड ऑफ सेपरेशन। इन आवर होम बैग प्रिपेयरिंग राइस और पल्स जब करते हैं चावल दाल साफ करते हैं फॉर कुकिंग द ग्रेन्स मेन इंक्लूड डस्ट एंड स्ट्रॉ, इन आवर ग्रेन्स देयर आर मेनी थिंग्स डस्ट एंड स्ट्रॉ आर देयर इन, बट उसे साफ करने के लिए पानी में डाल पानी में दाल डाल दें चावल डाल दें गंदगी उसके ऊपर हल्की सी ऊपर आ जाती है सब डस्ट उससे अलग होके विद हेल्प ऑफ वाटर अलग हो जाता है। इस मेथड को बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड, फ्लोटिंग इंप्योरिटीज अलोंग विद द मडी वाटर आर कॉल्ड आउट जिसे बोलते हैं डिकेंटेशन, क्लीन ग्रेन इज लेफ्ट बिहाइंड, साफ ग्रेन होता है वो बचा। सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सेपरेशन जो सॉल्युबल सब्सटेंस होता है उससे इनसॉल्युबल जो घुलनशील होता है और जो नहीं घुलता उसे अलग कैसे करते हैं? इतने प्रोसेस आप कर सकते हैं, एड अ स्पूनफुल ऑफ अ पाउडर चॉप टू हाफ फुल ग्लास वाटर, ग्लास पानी में चॉप पाउडर डाल दें, बट चॉप पाउडर में पानी मिक्स नहीं होता वो अलग होता है वो अलग ही निकल आएगा, जो वाटर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर तो पानी की घुलती नहीं पहुंची अलग निकल आएगी। दैट इज द वे इन विच वी कैन मेक सेपरेशन ऑफ फूड इजीली, द डिफरेंट थिंग mixture, the mixture of liquids and non-liquids. Milk is a suspension, not a solution. Milk is a suspension है, जिसमें विद कैल्शियम, प्रोटीन, फैट एंड कैल्शियम पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर फॉर्मिंग अ मिल्क सस्पेंशन। मिल्क की सस्पेंशन के लिए होता है। सी वाटर इज अ मिक्सचर, बता चुके हैं सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर सॉल्ट्स, उससे मिक्सचर होता है। आप पढ़ेंगे सेडिमेंट्स, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, जो चीज घुल जाती है जो नहीं घुलती है, घुलने वाली अवस्था फिल्ट्रेशन में वो सब चीज क्या होती है, यू रीड इन फर्दर टॉपिक्स। ओके और जो नीचे रह जाते हैं आप हिंदी एक्टिविटी यू कैन सी एक्टिविटी पढ़ेंगे यू कैन सी रीड द चैप्टर, जो चैप्टर समझ में आए आप जबान पूछ सकते हैं। इन द एक्टिविटी गिवन अबव सेटल डाउन इन ए सेडिमेंट, जो सेटल डाउन बैठ जाते हैं ग्रीस वो चीज उसे बोलते हैं सेडिमेंट, इज ऑब्टेन ऑन सेपरेटिंग शुगर सॉल्यूशन बाय डिकेंटेशन, बाकी डिकेंटेशन प्रोसेस है कैसे किसी। नाउ मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल एंड मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, वो लिक्विड
जो खुल जाते हैं आसानी से और जो नहीं खुलते हैं। इट इज वेरी क्लियर कि लिक्विड बीच में से वन अनदर, एक लिक्विड जो दूसरे लिक्विड से खुल जाए उसे बोलते हैं मिसिबल लिक्विड, एंड द लिक्विड दैट इज नॉट मिसिबल विद अदर लिक्विड, दूसरे लिक्विड से मिक्सअप ना हो उसे बोलते हैं इमिसिबल। लाइक वाटर एंड ऑयल इज इमिसिबल, एंड वाटर एंड मिल्क इमिसिबल, पानी को डालो तो पानी खुल जाता है, सेपरेट करना मुश्किल है, बट जो आपका ऑयल है वाटर डाल देंगे ये घुलता नहीं, बिकॉज ऑयल इज नॉट मिक्स विद वाटर। ओके नाउ लोडिंग, लोडिंग इज प्रोसेस, ये प्रोसेस है इसमें लिखा हुआ है, जो आपका एलम होता है पीस, सिंपल पीस नहीं लोडिंग होता है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल इज एलम, अक्सर पानी धीरे रखा है लिक्विड पानी ले लेंगे आप पानी कर लेंगे कुछ होगी एक पीस एलम मतलब फिट करी का पीस डाल देंगे सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और वो वाटर वो चीज भी हो जाएगी, इसे बोलते लोडिंग। एंड फिल्ट्रेशन में आप फिल्टर करते हैं स्ट्रेन से, स्ट्रेनर से मिलता है वो स्ट्रेन छन्नी, उसी चीज चल जाती है सब चीज निकल जाती है। हियर यू आर यू कैन सी द हाउ द इंप्योरिटीज ऑफ द टी चाय में छन्नी से छानते हैं चाय पत्ती और वो सब अलग रह जाता है, बस लिक्विड ना एक्सट्रैक्ट होता है निकल के आता है, आप सब देख सकते हैं वो सब चीज़ में फिल्ट्रेशन। नाउ द लेबोरेटरी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, लेबोरेटरी में प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है, वहाँ पर स्टेनर अलग तरीके यूज होते हैं। इन साइंस लेबोरेटरी में मेक द यूज ऑफ फिल्टर पेपर, हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं साइंस में, जो लेबोरेटरी में जो प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का वो यूज करते हैं फिल्टर पेपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर। एंड मल्टीपल सेपरेशन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल बट मल्टीपल सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर यूजिंग मोर देन वन मेथड, एक चीज से ज्यादा मेथड यूज करते हैं हम लोग, वो इसे आप क्या मिक्सचर दैट हैज मोर देन टू कंपोनेंट्स, ए मिक्सचर जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हो, कंपोनेंट्स रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेल्फ सेपरेशन, उसमें आवश्यकता होती है दो से एक से ज्यादा मेथड सेपरेशन करने के लिए। एक है इवेपोरेशन, अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, वेपर में चेंज करते लिक्विड को उसे बोलते हैं इवेपोरेशन, वाटर वेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर, और स्टीम पानी वाटर वेपर स्टीम आप को ले जाता अक्सर मिलते हैं बरसात होती है पानी ऐसे जाता है जिसे यूज करते हैं लोग हर फॉर्मिंग ऊपर इवेपोरेट ओके फिर नीचे बरसता है तो इसे बोलते हैं इवेपोरेशन, इस प्रोसेस को यूज करते हैं हम लोग। देन द क्रिस्टलाइजेशन, द क्रिस्टलाइजेशन द प्रोसेस इन दिस फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट ऑन इवेपोरेशन, जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट में उसको इवेपोरेट करके हम लोग वाटर फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इसको क्रिस्टलाइजेशन, इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। आप जानते क्रिस्टल्स छोटे कण ऐसे जो नमक में छोटे कण होते हैं तो समुद्र में आप भी जानते हैं ओशियंस से वी गेट सॉल्ट, सो सॉल्टी वाटर ओशियन कंटेन्स, ओशियन सी कंटेन द सॉल्टी वाटर, द मिक्सचर ऑफ वाटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, उसे पानी वाला तरह भर के भर लेते हैं रोक देते हैं, जब पानी बाहर में उड़ जाता है तो नीचे जो बनता है उसे बोलते हैं सॉल्ट, उस सॉल्ट को सेपरेशन करने का तरीका है इवेपोरेशन, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे रखा है साफ सुथरा इवेपोरेशन हेल्प इन द ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम सॉल्ट डिपॉजिटेड सांभर इन राजस्थान प्लेस, इस तरीके से सेपरेशन करते हैं। नाउ द कंडेंसेशन, वेपर चेंजिंग चेंजिंग टू लिक्विड ऑन कूलिंग, जब पानी भाप में होता है जब मौसम ठंडा होता है तो नीचे आया सेम थिंग, अक्सर देखा आपने जब पतीला रखते हैं पानी का कोई बर्तन रखते हैं पानी गर्म होता है ढक्कन रखो तो गंदगी उसकी जो भाप में पानी ऊपर होता है, जैसे आप ऊपर ढक्कन हटाते हैं ऊपर तो रहेगा उसमें एक टेम्परेचर मेंटेन है भाप में उड़े, बट जैसे वो साइड करते हैं टेम्परेचर डाउन हो जाता है वो भाप जो होती है ऊपर पानी में पिघल जाता है, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉल्ड बाय कंडेंसेशन, जो डिस्टिल वाटर में यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर इज द प्योर फॉर्म ऑफ ड्रिंक, इट इज एन हेल्दी वाटर, द वाटर दैट वी गेट विद द हेल्प ऑफ रेन इज डिस्टिल वाटर, जो डिस्टिल वाटर होता है जो बनाया जाता है जो बैटरीज में यूज करते हैं लोग प्योर वाटर होता है। नाउ द मैग्नेटिक सेपरेशन, द थिंग्स आयरन
कोबाल्ट एंड निकल आर द थ्री मैग्नेटिक मेटल्स. दीज मेटल्स आर एंड दीज मेटल्स आर मिक्स इन अदर मेटल्स. तो दैट इज द मेथड ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन. विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन वी कैन यूज वी कैन सेपरेट द दीज थ्री टाइप ऑफ मेटल्स लाइक आयरन कोबाल्ट एंड निकल विद हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन. द मैग्नेट लगाएंगे उससे सब जो है वो उसमें टच लाइन सेक्शन लेंगे मैग्नेटिक मेटल्स. नाउ चर्निंग. चर्निंग इज अ कॉमन मेथड बीइंग यूज्ड इन आवर होम्स टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क और कर्ड. दूध से दही से चर्निंग एक सिंपल मेथड जो हम यूज करते हैं जिससे घी निकलता है उससे दही से. इट्स अ सिंपल मेथड एंड यू कैन इजीली सी आप घर में स्पेशली गांव में मथानी से मथे से जिसे राई बोलते हैं लिखा है इसमें वुडन लेडल राई और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ब्लेंडर भी होता है. इलेक्ट्रिकल आजकल मिक्सिंग होता है. एंड चर्निंग क्रीम कम्स आउट फ्लोटिंग ऑन मिल्क वाटर. क्रीम है मिल्क वाटर में फ्लोट होकर ऊपर आ जाता है जिससे ऊपर आसानी से लोग निकालते हैं. चर्निंग इज आल्सो एंड चर्निंग इज आल्सो डन ऑन ए कमर्शियल स्केल विद हेल्प ऑफ चर्निंग मशीन कॉल्ड चर्नर सेपरेट क्रीम फ्रॉम रॉ मिल्क. क्रीम फ्रॉम रॉ मिल्क यस जो इस मशीन में यूज करते हैं जो चर्नर इलेक्ट्रिकल मशीन है जिससे मिल्क में से क्रीम को अलग करते हैं जिसे घी बनाने में हम सब अक्सर तो देखा पहले मथते हैं मथाने से. ओके नाउ यू मे डाउट ऑफ सर्फेस ये आप चैप्टर रीड करेंगे एंड इफ यू फील एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन क्लियरिटी यू मे आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप.